Jesus reigns. ईशु मसीह राज करता है. Once again, welcome to you all in the sweet and precious name of Jesus Christ. और फिर से आप सबको ईशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं. Our Lord and Savior Jesus is alive. हमारा उद्धारकर्ता ईशु मसीह वो जीवित है. He is everywhere. वो हर जगह में है. Right now, He is with us. और वो आज हमारे बीच में है. As you are going to hear the word of God. जैसे कि आप परमेश्वर के वचन से सुनने जा रहे हैं. Jesus is going to speak to you and touch you in a very special way. जैसे कि आप इस परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, आज यीशु मसीह आपके जीवन को छूना चाहता है, उसको बदल देना चाहता है. This is also going to be a day of miracle in your life. और आज का दिन आपके लिए एक अद्भुत दिन होगा. Get ready and receive the word of God. आप तैयार होइए और इस वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए. हालेलुया, हालेलुया, ओह हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. करुणा से बन कर रहे
the gospel according to John chapter 10. और आज हम यूहन्ना के सुसमाचार उसके 10वें अध्याय से देखेंगे. And verse 7, Jesus said, I am the door of the sheep. और उसके 7वें पद पे ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ. Jesus is the door. और यीशु मसीह द्वार है. Jesus is the way. यीशु मसीह मार्ग है. Jesus is the truth. यीशु मसीह सच्चाई है. Jesus is the life. यीशु मसीह जीवन है. Jesus is the resurrection. यीशु मसीह पुनरुत्थान है. And in this chapter specifically he declared, I am the door. और इस अध्याय में यीशु इस प्रकार अपने लिए कहता है कि मैं द्वार हूँ. If you are searching the door of truth, अगर आप सच्चाई के उस द्वार को खोज करते हैं, If you are searching for the door to heaven, अगर आप स्वर्ग के द्वार को खोजते हैं, then Jesus Christ is the answer. तो यीशु मसीह उसका उत्तर है. Your search is going to end in Jesus. और आपका जो खोज है वो यीशु में खत्म हो जाएगा. In this chapter he speaks about shepherd and sheep. इस अध्याय में यीशु मसीह चरवा और भेड़ के बारे में कहता है. During those days in the land of Israel, shepherds were very common. और उन दिनों में जो यीशु मसीह के समय पर ये चरवाहे और भेड़ बहुत से पाए जाते थे. That was their occupation. वो उनका रोजमर्रे का कार्य था. During those days, tending sheep was the common occupation of the people of Israel. और उस समय भेड़ों की पालन पोषण करना इसराइल के लोगों का काम था. So the shepherd has to face many challenges. तो ये जो चरवाहा को अपने जीवन में बहुत से बातों का सामना करना पड़ता था. Thieves were there. वहाँ पे चोर लोग थे. And thieves comes to steal the sheep. और ये जो चोर हैं, वो भेड़ों को चुरा लेने के लिए आते थे. That's why Jesus is speaking about thieves. और इसलिए यहाँ यीशु मसीह चोरों के लिए लिखा गया है. In chapter 10 and verse 10, the thief does not come except to steal, to kill and to destroy. और यूहन्ना 10:10 पे ऐसा लिखा है, चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नाश करने के लिए आता है. This was practical, this was happening during those days. और ये रोजमर्रा के जीवन में ये काम होता था. During night time the thieves comes and steal the sheep. और रात के समय ये चोर लोग आकर इस भेड़ों को मारते थे. Shepherds needs to be very careful. और ये जो चरवाहा, उनको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती थी. They have a big responsibility, great responsibility to protect their sheep. और उनको अपने ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो अपने भेड़ों की सुरक्षा करें. From that common practical thing, Jesus is explaining something spiritual. और वो जो रोजमर्रा की बात से यीशु मसीह उनको कुछ आत्मिक बातों को समझाता है. Here he speaks about people. और यहाँ पे यीशु मसीह लोगों के बारे में कहता है. Even to steal the people, thief, Satan is coming. तो लोगों को चुराने के लिए शैतान आता है. Why he comes? क्यों शैतान आता है? He comes to steal good things from your life. वो आता है कि आपके जीवन से कुछ अच्छाइयों को चुरा ले ले. If you are leading a peaceful life, अगर आप अपने जीवन में शांति से रहते हैं, he will turn his attention to that peaceful life and he wants to steal the peace from your life. तो शैतान चाहता है कि वो आपके जीवन में आकर जो शांति है आपके जीवन में उसको चुरा ले. If you are leading a financially sound life, तो आपके जीवन में, आर्थिक जीवन में आप शांति से रहते हैं, he wants to push you into debts and financial struggles. तो शैतान चाहता है कि वो आपको आर्थिक समस्याओं में गिरा दे और धार में गिर जाए. That is the nature of Satan. और वो शैतान की स्वभाव है. He doesn't want to see people enjoying their life. तो वो नहीं चाहता कि लोग अपने जीवन में सुख शांति से रहे. He wants to create some kind of misery in the life of people. और शैतान चाहता है कि वो लोगों के जीवन में ऐसे हरदम समस्याओं को लेकर आए. During those days, the thief comes and steals the sheep, and then the thief will kill the sheep, and then the thief will eat the sheep. और जो चोर है उस समय में आता था, वो जो भेड़ों को चोरी करता था, उसको मार डालता था और उसको खा देता था. At the end, the sheep is destroyed.
और उसके अंत में क्या होता है कि वो भेंट नाश हो जाते हैं। Likewise, Satan also wants to come and steal good things from your life and to kill your life and he wants to destroy your life. इसी प्रकार शैतान भी हमारे जीवन में आकर हमारे जो शांति है, हमारे अंदर जो खूबी है, उसको चुरा लेना चाहता है, हमें मार डालना चाहता है और हमें नाश करना चाहता है। But why Jesus came? लेकिन क्यों यीशु मसीह आया? He is the good shepherd. क्योंकि वो एक अच्छा चरवाहा है। He came to save life. क्योंकि वो आया कि वो आपके जीवन को बचाए। I have come that they may have life and that they may have life more abundantly. यीशु मसीह इस प्रकार से कहता हूं कि मैं इसलिए आया कि मैं वो जीवन को पाए और बहुतायत से पाए। Why Jesus came? यीशु मसीह क्यों आया? Jesus came to give us life. यीशु मसीह आया कि वो हमें जीवन दे। What kind of life? किस प्रकार का जीवन? God kind of life. परमेश्वर के समान जीवन। That means that is eternal life. इसका अर्थ है कि वो अनंत जीवन। He is the eternal life giver. वही हमें अनंत जीवन देने वाला है। And not only that, when He gives us life, He'll give us more abundantly. यही नहीं बल्कि जब वो हमें जीवन देता है वो बहुतायत का जीवन देता है। Abundance is a kingdom principle. और बहुतायत जो है वो स्वर्ग राज का एक मूल्य है। If you are in the kingdom of God, अगर आप परमेश्वर के राज्य में हैं, you can experience abundance in every area of your life. अगर आप परमेश्वर के राज्य में हैं, तो आप अपने जीवन के हर एक जगहों पर परमेश्वर की उस बहुतायत को अनुभव कर सकते हैं। What is the meaning of abundance? बहुतायत का अर्थ क्या है? To the full till it overflows. अब भर कर बहने तक। Take a glass. आप एक ग्लास लीजिए। Pour water in that glass. उस ग्लास में पानी को डालिए। When it is filled to the brim. जब वो पूरे उसके मुंह तक भर जाता है। That is not abundance. वो बहुतायत नहीं है। When it starts overflowing. जब वो बाहर बहने लगता है। That is abundance. वो ही बहुतायत है। When God gives you life. जब परमेश्वर आपको जीवन देता है। Abundance. वो बहुतायत से देता है। Life will overflow from you. आप से जीवन बह निकलेगा। When God gives you peace. जब परमेश्वर आपको शांति देता है। Abundance. बहुतायत से। Peace will overflow from your life. आपके जीवन से वो शांति बहने लगेगी। When God gives you joy. जब परमेश्वर आपको आनंद देता है। Abundance of joy. बहुतायत का आनंद। Joy will overflow from your life. आपके जीवन से आनंद बाहर निकलेगा। You will lead a joyful life. आप बहुत एक आनंदित जीवन बिताओगे। When He bless you materially. जब वो आपको आर्थिक रीति से आशीष देता है। Abundance of material blessings. बहुतायत का आशीष देता है। Blessings will overflow from your life. और आपके जीवन से उस आशीष से बाहर निकलेगी। You will become a giver. आप दूसरों को देने वाले बन जाओगे। Bless that person, this person, you bless that society, you bless that church, you will become a giving person. तो आप देने वाले बन जाओगे, आप कलीसिया को देंगे, जो दुख दुखी लोग हैं उनको देंगे और आप ऐसे देने वाले बन जाओगे। Greed is not the nature of God. लालच जो है वो परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। God is a big giver. क्योंकि परमेश्वर वो सबसे बड़ा देने वाला है। Stinginess is not God's nature. ये जो कंजूसी स्वभाव है वो परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। God is an abundant giver. परमेश्वर बहुतायत से देने वाला है। Abundance is the nature of God. बहुतायत जो है वो परमेश्वर का स्वभाव। He wants to bless you abundantly. वो आपके जीवन को बहुतायत से आशीष देना चाहता है। So that you can bless others abundantly. ताकि आप दूसरों को बहुतायत से आशीष दे सको। Jesus said, I came to give you life, life more abundantly. और यीशु ने इस प्रकार से कहा कि मैं आया हूँ कि तुम्हें जीवन दे और बहुतायत का जीवन। When you receive that life, जब आप उस जीवन को प्राप्त करते हैं। Thief is defeated from your life. तो ये जो चोर है वो आपके जीवन से हार जाता है। Thief carries death. ये जो चोर है वो मृत्यु को लेकर आता है। He carries destruction. और वो नाश को लेकर आता है। He carries failure. और वो पराजय को लेकर आता है। He carries sorrow.
वह दुख को लेकर आता है। These are all goods of Satan. और ये सब शैतान की चीजें हैं। But when Jesus comes in your life, लेकिन जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है, He's the life giver. वो जीवन को देने वाला है। When you receive that eternal life, जब वो अनंत जीवन को आप प्राप्त करते हैं, that life is God kind of life, वो परमेश्वर के समान एक जीवन है। Then the goods of Satan is disappeared from your life. तो जो शैतान की जो चीजें हैं, वो आपके जीवन से निकल जाता है। You can throw it out of your life. आप अपने जीवन से उसको बाहर फेंक सकते हैं। Failure is gone. और जो पराजय आपके जीवन से निकल जाता है, Destruction is gone. और जो नाश है आपके जीवन से निकल जाता है, No more death. और अभी कोई मृत्यु की जरूरत नहीं, Sickness is healed. और जो बीमार है वो चंगाई हो जाता है। That is the uniqueness of the life of God. और यही परमेश्वर के जो जीवन का खूबी है। Receive that life right now. इसी वक्त आप उस जीवन को प्राप्त करें। That's why Jesus came to this earth and died on the cross of Calvary. इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आया और हमारे लिए क्रूस पर मर गया। And he said, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. और यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। Particularly when thief comes to kill the sheep, जब चोर भेड़ों को मारने के लिए आता है, shepherd has to run to save the sheep. और ये जो चरवा है उससे भागना है और उसके भेड़ों की रक्षा करना है। That is a dangerous situation. और ये बहुत ही खतरनाक एक स्थिति है। Maybe the thief attacks the shepherd. हो सकता है कि ये जो चोर है वो चरवाह को हमला करे। That's why Jesus said that even to save the sheep, I'm ready to die. इसलिए यीशु मसीह ने इस प्रकार के कहा कि मुझे अगर अपनी भेड़ों की सुरक्षा करते हुए मुझे मरना भी पड़े तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। Because I am the good shepherd. क्योंकि मैं अच्छा चरवाह हूँ। I'm willing to give my life to save the sheep. और मैं तैयार हूँ कि मैं अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन दे दूँ। And he did it. और उसने ऐसा किया। On the cross of Calvary. और उस क्रूस पर He gave his life to save us. और उन्होंने अपना जीवन को दिया कि वो हमें बचा ले। We were like sheep in the hands of thief. और हम चोर के हाथ में ऐसे भड़के हुए भेड़ थे। We were in bondage and we were in slavery. और हम बंधन में थे, दासत्व में थे। And this thief was destroying our life. और ये जो चोर है वो हमारे जीवन को नाश कर रहा था। Jesus gave his life to save us. लेकिन यीशु मसीह ने अपना जीवन को दिया कि वो हमें बचा ले। He is the great shepherd, he is the chief shepherd and also he is the good shepherd. और वो एक अच्छा चरवा है, वो मुख्य चरवा है और वो सबसे अच्छा चरवा है। If he is the good shepherd in your life, अगर वो आपके जीवन में अच्छा चरवा है, then you can hear his voice. तब आप उसकी आवाज को सुन सकते हो। During those days, the shepherds led the sheep by making a unique voice. और उन दिनों में जो चरवा लोग थे वो ऐसे कुछ खास ऐसे आवाज को बनाते हैं और उस आवाज को सुनकर भेड़े उसके पीछे हो जाते हैं। The voice of the shepherd is important. और ये जो चरवाहा का जो आवाज है वो बहुत ही जरूरी है। When he makes a particular sound, जब ये चरवाहा एक विशेष रूप का जब आवाज को बनाता है, Then the sheep recognize its shepherd. तो ये जो भेड़े हैं अपने जो चरवाह को पहचान जाता है। It's very interesting. ये बहुत ही सुंदर बात है। Sometimes maybe the shepherd made a voice as follows, Oh-ho. और ऐसा हो सकता है कि चरवा एओ करके ऐसे कुछ आवाज को निकालता हो। When the sheep hear एओ, और जब ये जो भेड़ जब एओ करके जो आवाज को सुन लेता है, Then it can recognize the voice of the shepherd. तो ये जो भेड़े हैं अपने चरवाह की आवाज को समझ सकता है। Likewise, when you follow Jesus Christ, उसी प्रकार जब आप यीशु के पीछा करते हो, Then you can recognize the voice of Jesus. तब आप यीशु मसीह के उस आवाज को पहचान सकते हो। You will understand his speech. तो उसकी जो बोलना है वो आप समझ सकते हैं। That's why Jesus said, "My sheep hear my voice." और इसलिए यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि मेरे भेड़े मेरे आवाज को सुनती हैं। How you are going to hear his voice?
किस प्रकार आप उसके आवाज को सुन सकते हैं? You are going to hear his voice from the word of God. आप सुन सकते हैं परमेश्वर के वचन से. When you turn your attention to the Bible. जब आप अपने ध्यान को बाइबल में लगाते हो. You are going to hear the voice of Jesus Christ. तब आप यीशु मसीह की आवाज को सुन सकते हैं. When you hear the voice of Jesus Christ, जब आप यीशु की आवाज को सुनते हैं, it's easy for you to follow Jesus. तो बहुत ही आसान हो जाता है कि आप यीशु के पीछा करें. Many are not recognizing the voice of Jesus. और बहुत लोग यीशु की आवाज को समझ नहीं सकते. That's why unknowingly they are going towards danger. इसलिए अनजान होकर वो ऐसे दुर्घटना की ओर चलते हैं. If sheep is not recognized the voice of its shepherd. अगर अब भेड़ जो है अपने चरवाह की आवाज को पहचान नहीं सकते. Sheep may go towards danger. तो हो सकता है कि ये जो भेड़ है वो कोई खतरनाक जगह पर जा सकता है. Towards where the wolves are. हो सकता है कि जहाँ भेड़िया है वो उस और चल जाए. Yeah, wolves are there to catch the lamb. और ये सच्ची बात है कि भेड़िया जो है भेड़ को पकड़ने के लिए हर जगह पर मौजूद है. Take care of your life. इसलिए आप अपने जीवन को संभाल कर रखें. Wolves wants to destroy your life. और ये जो भेड़िया लोग हैं वो आपके जीवन को नाश करना चाहता है. सो प्लीज रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ जीसस. इसलिए आप ध्यान से यीशु मसीह की आवाज को सुने. ए ब्यूटीफुल वर्स इन चैप्टर 10 एंड वर्स 27. और बहुत ही एक सुंदर जो वचन है वो लिखा गया है. जीसस सेड माय शीप हियर माय वॉइस. और यीशु ने इस प्रकार से कहा कि मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनती हैं. एंड आई नो देम. और मैं उनको जानता हूँ. And they follow me. और वो मेरे पीछे पीछे चलती है. When you recognize the voice of Jesus, जब आप यीशु मसीह की आवाज को पहचानते हैं, you will follow him. आप यीशु मसीह के पीछा करने लगोगे. Don't follow someone else who is not a true shepherd. आप ऐसे दूसरे किसी के भी पीछा ना करें जो सच्चा चरवाह नहीं है. Don't follow a thief. कभी भी आप एक चोर का पीछा ना करें. Hear the word of God. आप परमेश्वर के वचन को सुनिए. And follow Jesus Christ. आप यीशु के पीछा को कीजिए. Then Jesus said, I give them eternal life. और यीशु इस प्रकार से कहता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ. And they shall never perish. और वे कभी नाश नहीं होंगे. Neither shall anyone snatch them out of my hand. और उन्हें मेरे हाथ से कोई भी छीन नहीं सकता. Extremely beautiful. बहुत ही सुंदर. When you follow Jesus Christ. जब आप यीशु का पीछा करते हैं. He will give you eternal life. वो आपको अनंत जीवन देगा. No one will snatch you from his hands. और उसके हाथ से कोई भी आपको छीन नहीं सकता. That is the greatest comfort. When we start following Jesus Christ. ये सबसे बड़ी एक आश्वास देने वाली बात है कि हमें परमेश्वर के हाथों से कोई नहीं छीन सकता. That is the greatest security when you start following Jesus Christ. और ये सबसे बड़ी सुरक्षित जगह है कि हम परमेश्वर के हाथों में और कोई हमें छीन नहीं सकता. No one will snatch you out of the hands of Jesus. कोई भी आपको परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता. You are protected. आप सुरक्षित हैं. You know the meaning of the word blessing? क्या आपको जो आशीष है वो पद का अर्थ मालूम है? In that word, three things are there. और उसमें तीन बातें मिलकर है. Presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति. Protection of God. परमेश्वर की सुरक्षिता. Provision of God. और परमेश्वर की उपलब्धि. Presence of God. परमेश्वर के सानिध्य. Protection of God. परमेश्वर की सुरक्षा. Provision of God. और परमेश्वर की उपलब्धि. You are blessed. आप आशीषित हो जाते हैं. When you recognize the voice of Jesus. जब आप यीशु की आवाज को सुनते हैं. You will follow him. आप उसका पीछा करोगे. Then you are blessed. तब आप आशीषित हो जाओगे. You are eternally secure. आप अनंत काल के लिए आप सुरक्षित हैं. You are protected. आप सुरक्षित हैं. Are you ready to receive Jesus in your life? क्या आप यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? Are you ready to follow the true shepherd? क्या आप उस सच्चे चरवाह के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? Let us pray for you.
आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, we pray for these precious people. स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से हम इस बहुमूल्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। Jesus, you are the good shepherd. यीशु मसीह आप सच्चा चरवाहा है। You are our life giver. आप हमें जीवन देने वाला है। Help these dear people to follow you. प्रभु आप इन लोगों की मदद करें कि वो आपका पीछा करें। To recognize your voice. ताकि वो आपकी आवाज को सुन सके। Every works of the enemy, we break its power in the name of Jesus. और शैतान की हर एक कामों को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ देते हैं। Satan, you are a thief. शैतान तुम तो एक चोर है। You are a destroyer. तुम नाश करने वाले। We rebuke you in the name of Jesus. हम यीशु के नाम से तुम्हें डांटते हैं। Let these people be protected under the merciful hands of Jesus Christ. होने पाए कि ये लोग यीशु के हाथों में सुरक्षित हो जाए। And heal them, Lord. प्रभु उनकी आप चंगा करें। You are a compassionate God. प्रभु आप दया करने वाला। Stretch out your hands and heal your dear precious people. प्रभु आपके हाथ को बढ़ाकर जो लोग बीमार हैं उनको छुई और चंगाई कीजिए। In the name of Jesus, we command every sickness to come out. और यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी की आत्मा को इनके शरीर से बाहर आने की आज्ञा देते हैं। In Jesus name, receive your healing. यीशु मसीह के नाम से तुम अभी अपने चंगाई को प्राप्त करो। And we bless your precious people in your name, Master. प्रभु आपके इस बहुमूल्य लोगों को आपके नाम से आशीष देते हैं। Thank you for hearing our prayers. धन्यवाद हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। In Jesus mighty name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. Amen. God be with you and God bless you. प्रभु आपके साथ हो और वो आशीष करे। Amen. Amen.